All right, guys. So, are we live with this lecture? Are we live with the daily GK lecture?

Which says uh, this day in history. Hi, Kazi, welcome. Welcome, everyone. So, is the screen visible which says uh, this day in history? all right so let us quickly look at what happened on 23rd of june in history so we will start with 1961 because in 1961 on this particular day antarctica treaty was enforced antarctica treaty came into force on 23rd june 1961 the treaty currently has 44 54 members but uh, originally there were 12 members so there were

ठीक है इंडिया ने अंटार्कटिका ट्रीटी को बाद में ज्वाइन किया है इंडिया ज्वाइन द ट्रीटी इन 1983 1983 में अपने अपना अंटार्कटिका रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट किया था एंड राइट नाउ इंडिया मेंटेन्स टू डिफरेंट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्क्टिका सो इंडिया के अंटार्क्टिका में दो रिसर्च स्टेशन हैं एट प्रेजेंट तीन थे तीन हुआ करते थे जिनमें से एक डी कमीशन हो चुका है सो राइट नाउ इंडिया हैज टू टू डिफरेंट रिसर्च इन वन एंड दोनों के नाम आप मुझे कमेंट्स में बताओगे मे बी राइट नाउ और मे बी आफ्टर डूइंग अ गूगल आफ्टर दिस सेशन एंड्स ठीक है लेकिन दोनों नाम बताने मैंडेटरी हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सो द टू एंटार्क्टिका रिसर्च स्टेशन बाय इंडिया वन थिंग सेकेंड इज

ठीक है सो so, दिसंबर में जो एग्जाम देंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है सो दैट्स ट्वेल्थ ट्वेंटी थर्ड ऑफ जून इन लुक एट अनदर डे ट्वेंटी थर्ड ऑफ जून टू थाउजेंड सिक्सटीन वॉज द डे ऑन विच ब्रिटिश पब्लिक वोटेड ऑन द ब्रेग्जिट रेफरेंडम ठीक है इस दिन ब्रेग्जिट रेफरेंडम के ऊपर वोटिंग हुई थी इस दिन ब्रिटिश सिटीजन्स को ब्रिटिश पॉपुलेशन को डिसाइड करना था वेदर दे वॉन्ट टू स्टे विद इन यूरोपियन यूनियन और वेदर एंड वीड द डिसीजन किया उन्होंने डिसीजन वॉज अट वॉज अट वॉज अक्ट्री इन सपोर्ट ऑफ ब्रेक्सिट सो फिफ्टी वन पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ द ब्रिटेन्स दे वोटेड इन सपोर्ट ऑफ ब्रेक्सिट एंड फोर्टी एट पॉइंट वन परसेंट वोटेड फॉर नो ब्रेक्सिट ठीक है इसका मतलब है विदिन मेजोरिटी विदेरी वेफर थि मेजोरिटी ब्रेगजिट वॉज ब्रेग्जिट रेफर वॉज पास और उसी का रिजल्ट था ब्रिटेन और यूके विच ज्वाइंट यूरोपियन यूनियन इन नाइनटीन सेवेंटी थ्री 1973 में इंग्लैंड ने ज्वाइन किया था और ब्रेग्जिट रेफरेंडम के बाद फाइनली 31 जनवरी 2020 को इंग्लैंड ने एग्जिट कर लिया है थर्टी 31 जनवरी 2020 को फाइनली बोरिस जॉनसन की प्राइम मिनिस्टरशिप में इंग्लैंड ने यूके ने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर लिया है So I am afraid that because of the shortage of time, I am not. I will not be able to answer your question in the live chat. But all sorry questions, in the I will check those questions and I will answer those questions through the comments after the lecture ends. Hai. So this is the day in history. In 23rd June was an important birthday. 24, 23rd June 1912 was the birth anniversary of Alan Turing. Very quickly, how many of you know this man? Or at least know the field, know the area in which he used to I'm sorry, area in which he used to operate. Alan Turing Conte. He was from which country and he was associated with which field or which area? right i think udit uh, correct answer alan turing was basically a british mathematician and a philosopher uh, should i say he was a british mathematician and computer scientist alan turing is also known as the father of artificial intelligence He's known as the father of ai and one field for which he is specifically very very well known for is called as cryptoanalysis ठीक है और यहाँ पे मैं क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहा हूं आई एम टॉकिंग अबाउट एन कोडिंग एंड डी कोडिंग अबाउट वॉज अ ग्रेजुएट फ्रॉम केिज एंड अ पी एच डी फ्रॉम प्रिंसटन इन मैथमेटिक्स ठीक है एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड वॉर टू के दौरान एल एन ट्यूरिंग वॉज अ ब्रिटिश ही डिसाइडेड टू जॉइन द ब्रिटिश कोड ब्रेकिंग टीम ठीक है एंड एज अ पार्ट ऑफ दिस टीम एलन ट्यूरिंग एंड हिस्ट टीम मेंबर दे डिजाइन अ मशीन उन्होंने एक मशीन डिजाइन की और इस मशीन की मदद से ब्रिटिश वर एबल टू ब्रेक द कोड ऑफ एनिग्मा वो एनिग्मा का कोड ब्रेक कर पाए एनिग्मा बेसिकली एक जर्मन मशीन थी एनिग्मा वाज अ मशीन यूज बाई जर्मनी जर्मन मिलिट्री टू एनक्रिप्ट इट्स रेडियो सिग्नल रेडियो कम्युनिकेशन ठीक है तो जर्मनी के जो रेडियो कम्युनिकेशन थे उसको डिकोड कर पाए बाय विद द हेल्प ऑफ द मशीन डिजाइन बाय एल ट्यूरिंग टूरिंग और इसी वजह से वॉर एंड होने के बाद 1946 में ट्यूरिंग की इस वॉर एफर्ट की वजह से उनको ऑनर किया गया ही वाज गिवन अ ब्रिटिश ऑनर आफ्टर द वॉर एंडेड इन नाइनटीन बट एल ट्यूरिंग का मिस फॉर्च्यून ये है दैट इन नाइनटीन He was awarded, he was praised for his war effort. But in 1952, he was prosecuted. And he was chemically castrated. For what crime? He was prosecuted and chemically castrated through hormone therapy.

हाँ तो इनके बारे में आई थिंक एक मूवी भी बनी है जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा आई थिंक उस मूवी का नाम एनिग्मा ही है डज रिमेंबर द मूवी बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ एलन ट्यूरिंग इज द मूवी कॉल्ड एनिग्मा ऐसा कुछ तो नाम है आप गूगल पे सर्च करके जब मौका मिले तो उसको देखना सो दिस इज अबाउट अ बर्थ एनिवर्सरी लेटेस्ट क्विकली टॉक अबाउट फ्यू डेथ एनिवर्सरीज आज के दिन कुछ इंपॉर्टेंट डेथ्स भी हुई हैं Uh, इसलिए हम उनके बारे में क्विकली बात कर लेते हैं फर्स्ट वॉज द डेथ एनिवर्सिटी ऑफ पेशवा बालाजी बाजीराव नाम आपने सुना होगा पेशवा बालाजी बाजीराव डाइड ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑफ जून सेवनटीन सिक्सटी वन एंड प्लीज डू नॉट कंफ्यूज हिम विदा पेशवा बाजीराव इनको पेशवा बाजीराव के साथ प्लीज कंफ्यूज मत कीजिए क्योंकि ये पेशवा बाजीराव के बेटे हैं ही वॉज द सन ऑफ पेशवा बाजीराव एंड वॉज द एट्थ मराठा पेशवा बाय द वे बाजीराव वो पेशवा हैं जिनके ऊपर आपने बाजीराव मस्तानी मूवी बनी हुई देखी सो so, बाजीराव मस्तानी जो मूवी है दैट इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ बाजीराव हम अभी बात कर रहे हैं उनके बेटे की पेशवा बालाजी बाजीराव उनके ऊपर भी लास्ट टू लास्ट ईयर एक मूवी आई थी जिसका नाम था पानीपत बिकॉज ही वॉज द मुगल एम्पर सॉरी ही वॉज द मराठा किंग वेन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन विच टू पार्टीज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फोर्ट इन सेवनटीन सिक्सटी वन बिटवीन मराठाज ऑन वन हैंड एंड विच पार्टी ऑन द अदर हैंड एंड ऑल्सो राइट द आउटकम ऑफ दैट बैटल बाय द वे मीन बाई मी टेल यू दैट पेशवा बालाजी बाजीराव वॉज द मराठा पेशवा अंडर विच पीक मराठास का जो सबसे बड़ा एरिया था वो बालाजी बाजीराव के अंडर ही था एंड ही डाइड ऑन टूडेज डे इन 1761 जल्दी से नाम टाइप करो कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुआ था ब्रिटिश कहां से बीच में आ गए एक साइड तो मैंने ऑलरेडी बता दी मराठा विच अदर साइड करेक्ट आंसर इट वॉज अहमद विनर इन दिस वॉर हु द विनर ऑफ द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत चलिए सो मराठा इस वॉर को हार गए थे बाय द वे द सेकेंड एनिवर्सरी दैट यू सी ऑन योर स्क्रीन इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही डाइड ऑन ट्वेंटी थर्ड जून 1953. He died on 23rd June 1953. Shama Prasad Mukherjee was an Indian politician and one of the founders of BJP. वो BJP के founder थे. ठीक है. हालांकि उन्होंने जो organisation बनाया था, जो political party उन्होंने found की थी 1951. उसका नाम हुआ करता था भारतीय जनसंघ भारतीय जनसंघ ही आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बना एंड दिस इज वाई ही कैन बी कॉल्ड एज द एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ बीजेपी ठीक है नाइनटीन फिफ्टी थ्री में ही वेंट टू कश्मीर 1953 मई के मंथ में ही वेंट टू कश्मीर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट आर्टिकल 370 ही वाज एन ओपोनेंट ऑफ आर्टिकल 370 सो ही वेंट टू कश्मीर एंड स्टेज अ हंगर स्ट्राइक ठीक है उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया एंड देन ही डाइड इन द कस्टडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ऑन जून वो जम्मू कश्मीर की पुलिस की कस्टडी में उनकी डेथ हुई है राइट right? और क्योंकि अभी बीजेपी पावर में है एंड क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी इज़ वन ऑफ देयर फाउंडर्स सो इसलिए उनको ऑनर करने के लिए जो कलकत्ता पोर्ट है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट उनका नाम इनके नाम पर रख दिया गया है बिकॉज ही वॉज बोर्न इन बेंगोल तो इसलिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम अभी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट हो गया है सिमिलरली बिकॉज ही डाइड इन कश्मीर तो कश्मीर में जो चेनानी नशरी टनल है नशरी टनल उसका नाम भी अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कर दिया गया है इन 2020. थाउजेंड ट्वेंटी सो डेथ क्योंकि हम यहां पे बीजेपी के लीडर की डेथ की बात कर रहे हैं just in order to strike the balance let me also tell you an important death from congress party which happened on 23rd of june 1980 23rd june 1980 was the day on which sanjay gandhi was killed in a plane crash sanjay gandhi was killed in a plane crash on this day oh i'm sorry All right. I hope you are able to see the screen. And I also hope that you are able to see Sanjay Gandhi, who is encircled here. Sanjay Gandhi was the younger son of Indira Gandhi and was supposed to be his political successor. But he died in a plane crash on 23rd June, 1980. And this is what forced Rajiv Gandhi to enter politics. राजीव गांधी बिकेम द प्राइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंदिरा गांधी वॉज ऑल्सो किल्ड इन एक्ट सो संजय गांधी क्रैश में मरे ठीक है संजय गांधी एक प्लेन क्रैश में मरे ऑल राइट और क्योंकि हम एक प्लेन क्रैश की बात कर रहे हैं सो लेट मी रिमाइंड यू ऑफ एन एविएशन ट्रेजेडी एक एविएशन ट्रेजेडी के बारे में मैं बात करता हूं जो आज ही के दिन हुई थी विच

ठीक है, ऑल थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी थे और कुछ Indian citizens भी थे. So, एक bomb blast में इस प्लेन को उड़ा दिया गया क्योंकि जो प्लेन था एयर इंडिया का जो प्लेन था उसका नाम था कनिष्क उस प्लेन का नाम था कनिष्क एंड इसीलिए इसको कनिष्क बॉम्बिंग बोलते हैं ठीक है सो हु वर अक्यूज हुआ गिल्टी ऑफ दिस बॉम्बिंग सो इस बॉम्बिंग के लिए गिल्टी ठहराया गया खालिस्तानी टेररिस्ट को ठीक है एक खालिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप था जिसका नाम हुआ करता था बब्बर खालसा बब्बर खालसा वॉज इम्प्लीकेटेड फॉर दिस बॉम्बिंग इन विच मोर देन थ्री हंड्रेड पीपल लॉस देर लाइफ ठीक है एंड दिस वॉज द मोस्ट लीथल एविएशन अटैक बिफोर नाइन इलेवन कनिष्का बॉम्बिंग ऑफ नाइनटीन एटी फाइव और इसका आपको कॉन्टेक्ट uh, समझ में आ रहा होगा कनिष्का बॉम्बिंग वॉज कैरिड आउट बाय खालिस्तानी टेररिस्ट टू रिवेंज टू टेक रिवेंज ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड टू टेक रिवेंज ऑफ द एंटी सेक राइट ऑफ नाइनटीन एटी फोर सो उसका बदला लेने के लिए बॉम्बिंग कंडक्ट की गई थी ठीक है सो दीज वर इंपॉर्टेंट बर्थ एनिवर्सरीज डेथ एनिवर्सरीज एंड द अदर इंपॉर्टेंट डेज इन हिस्ट्री लेट लेटेस्ट क्विकली लुक एट द प्रेजेंट और उदित का क्वेश्चन है आई थिंक उदित इज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हु द टू चिल्ड्रन इन द पिक्चर आई एम नॉट इंटरेस्टेड ठीक है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो दोनों लोग कौन है आई थिंक आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्यूरियस तब तो बात ठीक है बट अदरवाइज अकेडमिकली उनका कोई बड़ा रोल नहीं है आई हैव नो आई मीन आई एम न्यूट्रल एयर क्योंकि see, वो दोनों गांधी फैमिली के बच्चे हैं जिनके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे अगर उनका उनका कभी जिक्र आएगा तो उनके बारे में बात करेंगे राइट नाउ दे आर नॉट रेलिवेंट चलिए सो ट्वेंटी फर्ड ट्वेंटी थर्ड जून के अंदर के दिन दो इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं वन इज इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे एंड अनदर इज यूएन पब्लिक सर्विस डे ठीक है ट्वेंटी थर्ड जून इज इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे एंड इंटरनेशनल यूएन पब्लिक सर्विस डे चलिए ये छोड़िए मुझे बताइए कि टोक्यो ओलंपिक्स जो थे वो तो टू थाउजेंड ट्वेंटी के जो ओलंपिक्स थे दोज वर होस्टेड बाई टोक्यो उजेंड ट्वेंटी फोर के ओलंपिक्स का क्या है टू थाउजेंड ट्वेंटी एट के ओलम्पिक्स का टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थाउजेंड थर्टी टू के ओलम्पिक्स का वेन्यू भी अनाउंस हो गया है सो so इन तीनों के वेन्यूज मुझे कमेंट में लिखकर बताइए क्विकली एंड उदित आई होप यू आर नॉट अफेंडेड बिकॉज इट वॉज नॉट अ कमेंट पर्सनली ऑन यूज इट वॉज अ कमेंट ऑन समथिंग विच वॉज नॉट डायरेक्टली रेलिवेंट

थर्टी टू दैट्स करेक्ट और यहां पे आप देखोगे ऑल द ओलंपिक्स कंडक्टेड सो फार यहां पे मैंने एक लिस्ट बना दी है ऑफ ऑल द ओलंपिक्स व्हिच आर कंडक्टेड सो फार इंक्लूडिंग द थ्री ओलंपिक्स व्हिच वर कैंसल्ड थैंक्स टू वर्ल्ड वॉर्स ठीक है तो बाद में पॉज करके इस वीडियो को आप देख लेना मेक अ नोट कि मॉडर्न ओलंपिक्स कब कब कहां कहां कौन से सिटीज में हुए ठीक है और उनमें से एक ओलंपिक के ऊपर उसी टाइटल से एक मूवी बनी है सो so इस मूवी को भी देखना द मूवी इज कॉल्ड एज म्यूनिक द मूवी इज कॉल्ड एज म्यूनिक ठीक है इट right. ठीक है थोड़ा सा आज के न्यूज़पेपर्स की बात कर लेते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे सबसे पहला था साइट को मिला है यूनेस्को का एजुकेशन अवार्ड ठीक है सो so, साइट क्या है और यूनेस्को का कौन सा यूनेस्को का कौन सा अवार्ड उसको मिला है वो यहां पर लिखा हुआ है साइट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इट्स अब यूनिट ऑफ एनसीईआरटी एन एनसीईआरटी आर टी के ये एन सी ई आर टी का एक सब यूनिट है साइट और उसको यूनेस्को का ये प्राइज मिला है किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज ठीक है ये प्राइज यूनेस्को ने 2005 में स्टार्ट किया था यूनेस्को स्टार्टेड दिस प्राइज इन 2005 विद द हेल्प एंड असिस्टेंस ऑफ बहरीन बहरीन के असिस्टेंस से यह प्राइज मिलता है यानी कि बहरीन इस प्राइज का प्राइज मनी का स्पॉन्सर है और ये प्राइस क्यों मिलता है ये प्राइस बेसिकली मिलता है फॉर द इनोवेटिव अप्रोचेस फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग एजुकेशन एंड लर्निंग में जो इनोवेटिव अप्रोचेस होती हैं, उनके लिए प्राइस दिया जाता है साइट को इस साल ये प्राइज इसलिए मिला है बिकॉज साइट वॉज द एजेंसी विच इंट्रोड्यूस्ड और विच कैरिड फॉरवर्ड पीएमई विद्या इनिशिएटिव ड्यूरिंग नेशनल लॉकडाउन तो नेशनल लॉकडाउन में द एजुकेशन ऑफ द रूरल स्टूडेंट्स स्पेशली द रिमोट लोकेशन स्टूडेंट शुड नॉट सफर इसके लिए सरकार ने मे 2020 में एक स्कीम शुरू की थी जिसका नाम था पीएम ई विद्या सो दिस वॉज अ स्कीम फॉर डिजिटल एजुकेशनल सर्विसेस डिजिटल एजुकेशनल सर्विसेज का मतलब है कि स्कीम के थ्रू डिजिटल मीडियम से टीवी के मीडियम से और रेडियो के थ्रू एजुकेशनल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द रूरल एंड रूरल चिल्ड्रन लोकेटेड इन रिमोट एरिया क्योंकि स्कूल सारे बंद थे तो उनके लिए एक पीएमई विद्या इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिस इनिशिएटिव के लिए साइट को इस बार का यूनेस्को अवार्ड मिला है all right okay uh, i was i'm looking at the messages shoria is asking for the ppt uh, i remember in yesterday's lecture also someone was asking for the ppt of this lecture so give me some time i'll find out a way to share these ppt's with you मैं इन पीपीटीज को शेयर करने का कोई तरीका आपके साथ ढूंढ लूंगा बिकॉज आई एम नॉट ऑन टेलीग्राम मैं टेलीग्राम पर नहीं हूँ सो आई आई दर है सोल्यूशन by which these पीपटीज कैन बी shared. चलिए एनी वे एक दूसरी बात कर लेते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली कम आउट विद इट्स मंथली इकोनॉमिक रिव्यू फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपना मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिलीज किया है कल और इस रिव्यू में फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज कैन बी ऑफ ट्विन डेफिसिट इन इंडियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी में ट्विन डेफिसिट का प्रॉब्लम हो सकता है ये इसके लिए उन्होंने कॉशन किया है तो जल्दी से हम ये समझ लेते हैं कि ट्विन डेफिसिट क्या होते हैं ठीक है चीके? ट्विन so, डेफिसिट का मतलब होता है दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ़ डेफिसिट दो अलग अलग किस्म के डेफिसिट जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसको ट्विन डेफिसिट बोलते हैं और वो दो डेफिसिट कौन कौन से हैं विच आर दो जल्दी बताइए कमेंट करके कमेंट करके जल्दी से बताइए कि वो दो डेफिसिट कौन से हैं The simultaneous presence of which two deficits are called as twin deficit problem. The students with economics background should be able to answer this question. Okay, so these are those two deficits one which is called as fiscal deficit, another which is called as current account deficits. Okay? क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा कम है तो मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं कि फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट माइनस द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट सो दिस इज फिजिकल डेफिसिट विच मींस इट इज अ गैप बिटवीन द गवर्नमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर सो दैट्स फिजिकल डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर मैं बात करूं तो करंट अकाउंट डेफिसिट इज इक्वल टू इम्पोर्ट्स माइन एक्सपोर्ट ठीक है और जब कंट्री में ये दो सिचुएशन एक साथ होती हैं तो इसको हम बोलते हैं ट्विन ट्विंटिस आर वी क्लियर हेयर आई एम गोइंग स्लाइटली क्विकली सो आई एम होपिंग दैट आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू अगर ऐसा है तो हम बाद में किसी और लेक्चर में फिजिकल डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्विन डेफिसिट को एक साथ डिटेल में डिस्कस कर लेंगे अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझिए कि जब ये दो डेफिसिट एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम ट्विन डेफिसिट बोलते हैं एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री इज कॉशनिंग इन इंडिया दैट इंडियन इकोनॉमी डेफिसिट विच मीन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फाइनेंस मिनिस्ट्री इट सेल्फ इज इंडिया में फिजिकल डेफिसिट हाथ से निकल गया ठीक है इंडिया में फिजिकल डेफिसिट हाथ से निकल गया है तो ये अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद से एक्सेप्ट कर रही है और खुद से एक्सेप्ट कर रही है इसका मतलब एज अ नेक्स्ट स्टेप फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा रिड्यूस्ड रेवेन्यूज इंक्रीज दिस इज ठीक है वो कैसे होगा रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होता है जब टैक्सेशन बढ़ता है और एक्सपेंडिचर कैसे रिड्यूस होता है जब सब्सिडीज घटती हैं इसका मतलब गैस सिलेंडर और महंगा हो सकता है और इसका मतलब जीएसटी के और पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ सकते हैं इज हिंटिंग एट चलिए मूविंग ऑन लेट अस क्विकली लुक एट अनदर इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पीस ऑफ न्यूज व्हिच इज रिलेटेड टू इंटर स्टेट काउंसिल हुआ दरअसल ये है दैट येस्टरडे तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर हैज रिक्वेस्टेड द प्राइम मिनिस्टर दैट इंटर स्टेट काउंसिल्स मीटिंग शुड बी हेल्ड एटलीस्ट थ्राइस एवरी ईयर सो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट किया है प्राइम मिनिस्टर को कि इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग साल में कम से कम तीन बार जरूर होनी चाहिए जो कि रूल है दिस इज द प्रोटोकॉल दिस इज द रूल बट रूल फॉलो नहीं हो रहा है इससे पहले कि हम इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में बात करें कि ये क्या है और कैसे बनी है कब बनी है क्विकली मुझे बताइए कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है चीफ मिनिस्टर वो, दिस रिक्वेस्ट। वो एम के स्टालिन है सो ये रिक्वेस्ट स्टालिन ने की है स्टालिन ने रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और ये इंटर स्टेट काउंसिल होती क्या है सो इंटर स्टेट काउंसिल इज बेसिकली अ काउंसिल ऑफ ऑल द स्टेट चीफ मिनिस्टर्स जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अचीव कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द स्टेट्स स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन और इंटर स्टेट काउंसिल का प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल थ्री टू हंड्रेड एंड सिक्सटी थ्री बोलता है देर कैन बी अ काउंसिल ऑफ स्टेट विच विल बी एस्टेब्लिश प्रेसिडेंट जिसको बनाएं, बनाने का ऑर्डर देंगे प्रेजिडेंट लेकिन जिसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर ठीक है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होंगे प्राइम मिनिस्टर लेकिन इसको बनाने का ऑर्डर कौन देगा प्राइम प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट so, ने ऑर्डर दिया और उसके बाद 1990 में इन in 1990 इंटर स्टेट काउंसिल केम अप एस परमानेंट बॉडी एक परमानेंट बॉडी के फॉर्म में इंटर स्टेट काउंसिल 1990 में स्टेब्लिश हुई बट ट्रबल ये है कि 1990 से लेकर आज तक ये काउंसिल की सिर्फ 11 मीटिंग्स हुए हैं जबकि होने कितने चाहिए डिमांड कितना है साल में तीन मीटिंग्स लेकिन पिछले तीस सालों में कुल मिलाकर हुए हैं सिर्फ इलेवन मीटिंग्स। इनफैक्ट सिंस टू थाउजेंड सिक्सटीन दो हजार सोलह के बाद से तो इसका एक भी मीटिंग नहीं हुआ है दो हजार सोलह के बाद से इंटर स्टेट काउंसिल का एक भी मीटिंग नहीं हुआ है एंड दिस इज वाई तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर इज मेकिंग दैट रिक्वेस्ट। ठीक है टाइम कितना हो गया टू so नाइन नौ बजने में चार मिनट हैं और वो अगले चार मिनट हम यूज करेंगे टू लुक एट दो करने वाला हूं जिनके आंसर आप मुझे बताएंगे एंड बाय द वे डिड यू चेक द क्वेश्चन ऑफ द क्विज कल के क्विज के क्वेश्चन आपने चेक कर लिए हैव यू गिवन द आंसर्स क्योंकि जब मैंने मॉर्निंग में चेक किया था तो देर आर ओनली सिक्स स्टूडेंट्स स्टूडेंट गिवन द आंसर्स अभी मुझे पता नहीं कितने हैं। तो मेरा सजेशन आप सबको ये है कि आप उन क्वेश्चंस को चेक किया करो डेली और उनके आंसर्स वहां पे ड्रॉप किया करो ठीक है सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे ऑल राइट सो क्वेश्चन इज खूबसूल लेक नेशनल पार्क विच इज रिसेंटली एडेड टू द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फियर रिजर्व ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड इन विच ऑफ दीज फोर कंट्रीज ठीक है So your ten seconds starts here. Answer the question in next ten seconds, or do a Google search after the lecture and drop your answers by looking at question one by writing question one correct choice in the comments. Looks like a tough question because I haven't received received even a single answer to this. Chali, moving on to question number two. क्वेश्चन नंबर टू इज अबाउट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन चॉइस आर टी एस तिरुमूर्ति रुचिरा कंबोज संगमित्रा पारदी एंड भावना मारू नंदिका जो भी क्वेश्चन आप आंसर कर रही हैं प्लीज उसका क्वेश्चन नंबर भी लिखिए सो दैट मुझे पता चले विच क्वेश्चन आर यू आंसर चलिए क्वेश्चन नंबर टू आपकी स्क्रीन पर था आंसर करने का टाइम आपको मिल चुका है अगर आप आंसर करना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर टू और अपनी करेक्ट अपना प्रेफर्ड चॉइस वहां पर लिख दीजिए अदरवाइज लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर थ्री विच आई थिंक शुड बी इजी क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर करने का सभी ट्राई करेंगे एवरीबडी विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन राइट नाउ क्वेश्चन इज शाबाश मिथु इज अ बायोपिक ऑन हुइ क्वेश्चन थर्ड सारे बताएंगे आई वॉन्ट आई आई वॉन्ट एवरी वन प्रेजेंट एंड अटेंडिंग द लेक्चर टू आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री राइट नाउ करेक्ट सो करेक्ट आंसर इज मिताली राज नाम से पता भी चल रहा है क्वेश्चन नंबर फोर द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन माउंटेनियर हु यस्टरडे क्लाइम्ब माउंट अन्नपूर्णा इन नेपाल विदाउट द एड ऑफ ऑक्सीजन विदाउट आर्टिफिशियल ऑक्सीजन ठीक है कल एक इंडियन फीमेल माउंटेनियर ने माउंट अन्नपूर्णा को क्लाइम किया है एंड शी हैज बिकम

given uh, related to epi read check these three statements and tell me which of the statements are correct take your time read question number full think about it type your answer अरवाइज कम बैक टू मोरू एंड चेक द करेक्ट आंसर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स और कोशिश करनी है कि खुद भी आपको इन क्वेश्चन के आंसर करने ठीक है।, है या तो लाइव लेक्चर में या फिर लेक्चर खत्म होने के बाद ऑल राइट सो विद दिस लेट मी स्टॉप द लेक्चर हियर ओके सो Thank you very much for attending today's lecture. Have a good night. Bye bye. See you again.